श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे बैठिया देख के हक हंसते हैं हम पर, कहे देखो इन विध खेल में भेलियां रहे क्यों कर, भेलियां रहे क्यों कर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं की शोभा बता रहे हैं ना, अब यहाँ दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। इस तीसरे प्रकरण में बात वही है, प्रसंग वही है, ब्रह्मात्माओं का ही है, किंतु थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा रहा है, बस इसलिए उसको दूसरा ढाल ऐसा कहा। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरस। ये सुख का सागर है, शोभा का सागर भी तो सुख का ही है, तो इसकी लहरें कौन, इन लहरों का अनुभव कौन करेंगे? परमधाम की आत्माएं। वाके स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस। या के स्वरूप या को देखसी, जो परमधाम की आत्माएं हैं, दुनिया में आई है तो कैसे आई है? सुरता के रूप में, और दुनिया में आकर के स्वप्न का शरीर धारण कर लिया। अब इसी सुरता को जागृत करेंगे तो परमधाम के स्वरूप को देख पाएगी। तो या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस, वो अरस परस है ना, बाकी शरीर से तो पता नहीं चलेगा। ये जो स्वरूप स्वप्न के असल नजर बीचैन, जो स्वप्न के स्वरूप हैं, किंतु ये सुरता भी जब जागृत हो जाती है तो इनकी नज़र तो दृष्टि अपने मूल में जाएगी ना, तो परात्मा में असल नजर बीच इन, इनका तात्पर्य परात्मा। वह देखे हमको ख्वाब में, वो परात्मा हमको ख्वाब में देख रही है स्वप्न में, तो ये हमारा स्वरूप हमारी सुरता क्या कर रही है ऐसा करके, जो असल हमारे तन, हमारे असल तन परात्मा है, वो तो स्वप्न देख रही है, और स्वप्न में ये वो सुरता नश्वर उस शरीर को धारण करके बैठी है, इसको जागृत करना, ये समझाना चाह रहे हैं। उन अंतरा आँखें तब खुले जब हम देखे वह नजर। परात्मा की आँखें कब खुलेंगी? जब हम उनके तरफ देखेंगे। तो हम पहले तो जागृत होंगे, जागृत होने पर उनके तरफ हमारी दृष्टि जाएगी, और जैसे जुड़ेगी तब, जब आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म तब भय आत्म निवेद, ऐसा कहा ना, आत्मा की दृष्टि परात्मा से जुड़ जाती है तब वो राज्य के चरणों में समर्पित हो पाती है जागृत होकर के, तब तक तो उसको पता ही नहीं है ना। अंदर चुभे जब रूह के तब इत ही बैठे बक्का घर। अंदर चुभे जब रूह के, परात्मा का स्वरूप है जब हृदय में अंकित होगा कि अरे हमारा असली तो परात्मा है, तो ऐसा वो ख्याल आ जाएगा तो तब इत ही बैठे बक्का घर, यहाँ बैठे बैठे इत ही बैठे घर जागे धाम, तो परम धाम में जागृत होते हैं कहते हैं ना, तो वो अनुभव होगा। सुरत उनों की हम में, उनकी सुरता हम में है, ये जुदे जुदे हुए जो हम यहाँ अलग अलग हैं, अब वहाँ तो सब एक साथ में। ये जो बातें करे हम स्वप्न में सो करावत हकलम, हम जो ये स्वप्न में ये सब बात कर रहे हैं ना कि ओहो हमारे मूल तो परम धाम में है, हम दुनिया में अलग अलग हैं, परम धाम में तो एक ही साथ में हैं, ये सारी बातें हमें कैसे पता चला, कौन करवा रहा है? तो तारतम ज्ञान हमें जागृत करके ये बात करवा रहा है। इन विद हक का इलम पर ब्रह्म का, ब्रह्म ज्ञान ये इस प्रकार का है, हमको जगावत इस प्रकार जागृत करता है।
इल्म के लिए हमको दही तीन से बक्का द्वार खोलता। हमें ये ज्ञान की चाबी दी है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने, हमें ये प्रदान की है। तो सदगुरु को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, तो यह क्या कहना चाह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दर्शन दिया और अभी सदगुरु के माध्यम से हम तक ये बातें, ये ज्ञान पहुंचाया, ये चाबी पहुंचाई है। तीन से बक्का द्वार खोलता, इससे अखंड के द्वार खुलते हैं, ऐसे वो खोल रहे हैं। बीच अशलतन और सुपने पट निदय का था, अशलतन परमधाम के परात्मा और ये स्वप्न का शरीर ये, अब इसके बीच में अंतर क्या है, तो निद का अज्ञान का है। सो निद उड़ाए सुपना रखे, और निद को तो भगा दिया तारतम ज्ञान से, फिर भी तो स्वप्न के शरीर में ही रखा है, दिखा रहे हैं स्वप्न ही, तो वो क्यों, ये देखो कि आह का, तो ये तो धामधनी का किया हुआ है, धामधनी की लीला है, कहने का तात्पर्य। तो धामधनी ये चमत्कार तो वही करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, तो उसके बाद समझाते हैं। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना कबल हो रहे वे, नींद उड़ जाए तो स्वप्न कब तक रहता, स्वप्न भी तो नींद उड़ते ही स्वप्न उड़ जाना चाहिए ना, तो नींद उड़ा दिया स्वप्न चालू रख दिया, तो स्वप्न में जगा दिया, ऐसा होता है कभी, तो स्वप्न में जागते हैं तो स्वप्न भी देख रहे होते हैं फिर भी पता रहता है, उसमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भयावह दृश्य देख रहे होंगे तो भी कोई बात नहीं, हम तो देख रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये वो फील करवा रहे हैं। इन विद सुपना ना रहे पर हुआ हाथ हुकुम के, वैसे स्वप्न रहता नहीं है नींद उड़ने पर, किंतु ये राज्य के आदेश पर अधीन, आदेश के अधीन है ना, इसलिए वो ये दिखा रहे हैं। तो क्यों दिखाएंगे, हुकुम में खेल दिखाया, तो राज्य के हुकुम ने ही ये खेल दिखाया है, जुदे डारे फरामोशी दे, फरामोशी दे करके हमें परात्मा से अलग कर दिया। खेल में जगाए इलम में, खेल में अब ज्ञान दे करके उसको जागृत किया, अब हुकुम मिलावे ले, अब हुकुम ही उनको मिलाएगा, संसार में आई हुई सुरता को जागृत कर दिया, अब परात्मा से मिलाने का काम भी राज्य का आदेश ही करेगा। बात पहुंची आए नजीक, अब समय नजीक आ गया है, अब जो कोई रहवे दम, यदि कोई दम मतलब श्वास, कुछ श्वास बाकी हो तो क्यों, तो उम्मीदा तुम्हारी पूर्ण, तुम्हारी चाहना को पूर्ण करने के लिए राखे खसम में तुम हुक्म, तुम्हारे लिए ये हुक्म रख दिया, तुम्हारी चाहना पूर्ण करने के लिए, दुनिया देखने की चाहना, तो जागृत करके फिर देखेंगे तो पता चलेगा, सोते हुए देखेंगे तो क्या पता चलेगा, इसलिए स्वप्न भी रख दिया और जागृत भी कर दिया, तो वो तुम्हारी चाहना पूर्ण करने के लिए, इसलिए जागृत होकर के रहो स्वप्न में भी, ये कहना चाह रहे हैं। जो रुए अर्श अजीम की सो मिलियो लेकर प्यार, जो परमधाम की आत्माएं होंगी यदि जागृत होंगी तो बड़े प्रेम से मिलेंगे ना, इसलिए ब्रह्मा आत्माओं को बड़े प्रेम से मिलना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, जो जागृत आत्मा होगी तो वो प्यार से मिलेगी, सबके साथ में प्रेम रखेगी। ए वाणी देख फजर की सब हो जो खबरदार, ये जागृति के समय के वचन है, इसको देख करके सब होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, सचेत हो जाओ। अब फरामोशी क्यों रहे, अब ये स्वप्न अथवा भ्रम अथवा नींद वो कैसे रहेगी, जब खोलिया बक्का द्वार, अखंड का द्वार खोल दिया, अब नींद में कैसे रह सकते हो, रूबरू किए हमको, उन सब के साथ में रूबरू कर दिया, मतलब जागृत कर दिया, सामने दिखा दिया, रूबरू करना का तात्पर्य यह है। तन असल नूर के पार, हमारे असली तन तो नूर के पार अखंड धाम में है, ये सब दिखा दिया। बैठी थी डर जिनके सब हिल मिला एक होए, जो ब्रह्मात्माएं परम धाम में
इस भय से कि हम कहीं भूल ना जाएं सब कुछ, तो इस डर से इकट्ठी होकर के बैठी थी। हुकुम हक के कौल पर उलट तुमको जगावे सोए। अब राज्य का हुकुम है तो वो जैसे अक्षर आते धाम धनी ने अपने वचन दिया ना, मैं तुम्हें जागृत करूँगा, तुम्हें बहुत दुखी होने नहीं दूंगा, तो उन वचनों के अनुसार उसने तो समय पर जागृत कर दिया है। उलट तुमको जगावे सोए, ये उसमें तुमको ये जागृत कर रहा है, उल्टे में डाल भी दिया और जागृत भी कर रहा है। ना तो स्वप्न के स्वरूप जो सो तो खेले ही को खींचे, तो नहीं तो स्वप्न के स्वरूप है वो स्वप्न के तरफ ही खींचते हैं। सो हुक्मे तुम्हें सपना हक को मिलावत, तो अक्षरातीत का आदेश ही ऐसा है तो स्वप्न में भी तुम्हें अक्षरातीत का अनुभव करवा रहा है, सत्य के साथ में मिलन करवा रहा है। यूं सीधी उल्टी से कौन करे करे बिना इलम, ऐसे उल्टी दुनिया से ये सीधे रास्ते पर कौन कर सकता है ब्रह्म ज्ञान के बिना। इत जगाए उम्मीदा पूर्ण कर खैचत तरफ कसम। अब यहाँ दुनिया में जागृत करके तो स्वप्न देखने की चाहना भी पूर्ण कर रहे हैं और फिर भी तो अक्षरातीत के प्रति वो खिंचाव तो उनके प्रति आकर्षण भी बढ़ा रहे हैं। ए हो तक किया सब हुकुम का, ये सारा किया कराया हुकुम का है, ना तो इन विद क्यों होए, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता था। जाग सुपना मूल तन का जगाए हुकुम मिलावे सोए। स्वप्न में स्वप्न के तन में से सुरता को जागृत करके मूल तन के साथ में मिलाया, जगाए हुकुम मिलावे सोए, इसको जागृत करके मूल तन के साथ मिलाने का काम तो हुकुम ही करेगा। जैसे मन कहीं पहुंचा और वहाँ जा करके जैसे पंडित जी को कब जाना है घर, हाँ तो मन से तो कितनी बार पहुंच गए, अभी भी पहुंच रहे हैं, वहाँ ये किया वो किया, इधर कर दिया उधर कर दिया, चल रहा है। तो अब उसको वापस लौटाने का काम अपने मूल में तो कौन करेगा, तो समझ में आएगी अरे अभी तो मैं यहीं हूँ, तो ये समझ में आ जाए तो अभी वो तो मैं कहाँ पहुँच गया ऐसे। तो फिर जैसे परात्मा परमधाम में है, मैं तो यहीं हूँ, तो दुनिया को तो मैंने देख लिया बस, तो इतने में जो सुरता है वो अपने में जुड़ेगी ना, तो ऐसा। तो जगाए हुकुम मिलावे सोए, राज्य का हुकुम है वही जागृत करके मिलाता है। सो सुध आपन को नहीं, वो सुधि हमें नहीं है जो विद करत मेहरवान अक्षराते धाम धनी, जिस प्रकार करते वो हमें पता नहीं है। ना तो कई मेहर आपन कर पर करता है रहमान, अन्यथा धाम धनी तो ऐसी अनेक कृपाएं अपने ऊपर करते हैं ये पता नहीं चलता, रहमान कृपालु है ना। महामत कहे मेहर हक की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा उसको यदि थोड़ा सा भी दृष्टि में आ जाए, रूहों आवे एक नज़र, एक बार भी उस कृपा को समझ ले ब्रह्मात्माएं, तो तब ही रात को मिट के जाहिर करे फजर, तभी रात को मिटा करके वो प्रभात कर देंगे, तो ऐसा होता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाहिर करे फजर, महामत कहे मेहर हक की, महामत कहे मेहर हक की, रूहां आवे एक नजर, तबही रात को मिटके, जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर।